तो प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। प्यारे विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं वार्षिक परीक्षा 2022 हेतु कक्षा 12वीं इतिहास विषय के ऊपर। तो वीडियो शुरू करें उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी दबा लें, जिससे कि दोस्तों आप सबको हमारे द्वारा अपलोड होने वाले वीडियो बराबर मिलते रहे। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो में हम पूरी आपकी इतिहास विषय की तैयारी करवाने वाले हैं, तो इसलिए प्लीज़ पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। अगर आपने आधा अधूरा वीडियो देखा तो आपको दोस्तों कुछ भी समझ में आने वाला नहीं है, तो इसलिए सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि प्लीज़ पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। अगर आपने पूरा वीडियो एक बार में देख लिया दोस्तों आपको सब कुछ इसी में से समझ में आ जाएगा, तो इसलिए प्लीज़ पहली रिक्वेस्ट मेरी यही है कि पूरा वीडियो देखकर ही जाए। अगर आप आधा अधूरा वीडियो देखोगे तो आपको कुछ भी समझ में इसमें से आने वाला नहीं है, तो इसलिए कोशिश करके दोस्तों पूरा का पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा आप, क्योंकि आप में से कितने ही सारे बच्चे तो ऐसे हैं कि जिनकी अभी तक भी इतिहास विषय की पूरी तैयारी नहीं हुई होगी। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम पूरी इतिहास विषय की आपकी पूरी तैयारी करवाने वाले हैं, तो इसलिए पूरा वीडियो देखकर जरूर जाइएगा, क्योंकि आप में से कितने ही सारे विद्यार्थियों की अभी तक भी इतिहास विषय की अच्छे से तैयारी नहीं हुई होगी। तो दोस्तों आज मैं आपको पूरा इतिहास विषय की तैयारी एक ही वीडियो में करवाऊँगा, तो इसलिए आप सभी लोग पूरा वीडियो देख कर जरूर जाइएगा, जिससे कि आपको पूरा समझ में आ सके, क्योंकि दोस्तों जल्द ही आपकी इतिहास विषय का पेपर होने वाला है, तो इसलिए सभी लोग आप पूरा वीडियो देखकर जाएंगे और दोस्तों पूरा वीडियो जरूर देखेंगे, जिससे कि आपको पूरा ये समझ में आ सके। तो चलिएगा, सबसे पहले आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और साथ ही बेल आइकन को भी दबा ले, जिससे कि आप सबको हमारे द्वारा अपलोड होने वाले वीडियो बराबर मिलते रहें। तो बढ़ते हैं आगे और समझते हैं कि आपका पेपर कैसा आएगा, क्या सारी चीज़ें ऐसी होंगी जो कि दोस्तों आपके पेपर में पूछी जाएगी इस वीडियो में से। तो ए टू जेड आपने दोस्तों मेरे पिछले वीडियो भी देखे होंगे, जो मैं बताता हूँ वही आपकी परीक्षाओं में पूरा 100% फंस रहा है, यानी कि बिल्कुल जो मैं बता रहा हूँ वही आपकी परीक्षाओं में आ रहा है। पर आप क्या करते हो कि पूरे वीडियो नहीं देख पाते हो, तो इस वजह से आपका कुछ चीज़ें छूट रही है, तो इसलिए पूरा वीडियो देखकर जरूर जाइएगा। तो चलिएगा दोस्तों इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं, जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको कक्षा 12वीं इतिहास विषय के मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन आपको इस वीडियो में प्रोवाइड करवाने वाला हूँ, तो इसलिए प्लीज़ पूरा वीडियो देखकर जरूर जाइएगा, जिससे कि आपको पूरा ये समझ में आ सके। प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है कि पूरा वीडियो ही देखकर जाइएगा, अगर आपने आधा अधूरा वीडियो देखा तो आपको कुछ भी समझ में आने वाला नहीं है। तो चलिएगा दोस्तों आज के इतिहास विषय के मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन हम देखते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन मोस्ट टाइम पे है। तो प्यारे विद्यार्थियों, क्या आपको भी पढ़ाई को लेकर डाउट है तो बिल्कुल मत घबराओ, इसका सॉल्यूशन है डाउटनट ऐप पर। जिस भी सवाल में आपको डाउट है उसका फोटो खींचो, क्रॉप करो और 5 सेकंड में उसका वीडियो सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा, वो भी बिल्कुल फ्री में। अब आप पूछ सकते हो अपने अनलिमिटेड सवाल कहीं भी कभी भी, चाहे आपका सवाल 6ठी से लेकर 12वीं तक का हो या IIT, JEE या नीट का हो या फिर CBSE, UP, बिहार, राजस्थान या अदर स्टेट बोर्ड का हो, कोई भी सवाल हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी, साइंस, आपके सभी सवालों के जवाब है डाउटनट ऐप पर। डाउटनेट पर चल रही है 9वीं से लेकर 12वीं IIT, JEE और नीट के बच्चों के लिए ऑनलाइन क्लास, जिसका हिस्सा बनकर देश के सभी राज्यों के बच्चे लेकर आए हैं 1 रैंक। तो आज ही डाउनलोड करो डाउटनेट ऐप, अपने सभी डाउट भगाओ और टॉप रैंक ले आओ। तो चलिएगा विद्यार्थियों, सबसे पहले हम इतिहास विषय का अध्याय 1 को समझ लेते हैं। अध्याय 1 में क्या दिया गया है, राजा, किसान और नगर। ये दोस्तों कुल आपसे 10 अंक का पूछा जाएगा, और आप यहां से इसमें से 2 नंबर का एक क्वेश्चन देखना और 3 नंबर का एक क्वेश्चन आपकी परीक्षाओं में आपको इसमें से देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले हम 2-2 नंबर वाले और 3-3 नंबर वाले क्वेश्चन देख लेते हैं, सत्य असत्य वगैरह तो आप खुद भी नोट कर सकते हो। दोस्तों देखिएगा, यहां से आपको एक तो ये फर्स्ट वाला याद करना है बहुत अच्छे से, और एक 5वां याद कर लेना है, और इसके अलावा 8वां आपको याद कर लेना है अच्छे से, और एक तीसरा वाला क्वेश्चन जरूर बिल्कुल याद कर लो आप अच्छे से, ये बिल्कुल आ गया है परीक्षाओं में। तो आप इन क्वेश्चन को 2-2 नंबर वालों में से कम इन क्वेश्चन को जरूर आप अच्छे से याद करके जाए। और 3 नंबर की बात की जाए तो यहाँ से आप देख सकते हो 3 नंबर में आपसे कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एक तो ये महाजनपदों की प्रमुख विशेषताएँ, और एक ये वाला नवा वाला, इसको बहुत अच्छे से आप याद कर लें, बिल्कुल आपके पास में जो भी अध्ययन सामग्री है उसमें से आप इनको अच्छे से याद कर लीजिएगा, और एक 7वें नंबर का क्वेश्चन भी आपको अच्छे से याद कर लेना है। तो चलिएगा अब आगे बढ़ते हैं। तो आगे आप देख सकते हो अध्याय 7 दिया गया है, बंधु जाति तथा वर्ग आरंभ समाज। तो इसमें से कुल क्वेश्चन 5 नंबर का पूछा जाएगा और 2 नंबर का ही एक प्रश्न पूछा जाएगा। तो 2 नंबर का कौन सा प्रश्न होगा वो भी हम देख लेते हैं इसमें से। तो इसमें से अगर देखा जाए तो यहाँ से आप देख सकते हो 2 नंबर वाले क्वेश्चन जो दिए गए हैं, इनमें से आपको एक तो
कुल और जाति में अंतर स्पष्ट कीजिए, इसको आप याद कर लीजिएगा। और इसके अलावा मनुस्मृति में चांडालों के क्या कर्तव्य बताए गए हैं, ये आपको याद करना है। तो आप सभी लोग इन दो क्वेश्चन को जरूर अच्छे से याद कर लेंगे, और एक ये क्वेश्चन नंबर तीसरा आप याद कर लीजिएगा। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे देखते हैं। तो यहाँ से आपको और ज़्यादा कुछ भी इसमें से याद नहीं करना है। आप अगर चाहे तो यहाँ से कौरव पांडव के मध्य हुए युद्ध का कारण आपको याद कर लेना है। तो ये सारे चीज़ आप यहाँ से याद कर लीजिएगा, और एक ये वाला 16वां क्वेश्चन भी आप याद कर लीजिएगा अच्छे से। आगे देखते हैं तो अध्याय चार की बात कर लेते हैं। अध्याय चार जिसका कि नाम है विचारक, विश्वास और इमारतें हैं। ये आपसे कुल 10 अंक का पूछा जाएगा, और इस अध्याय में से आपसे 2 नंबर का एक क्वेश्चन और 3 नंबर का एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो सबसे पहले हम इस अध्याय में से 2-2 नंबर वाले क्वेश्चन देख लेते हैं कि 2 नंबर वाले क्वेश्चन कितने हैं इसमें से। तो यहाँ से आप देख सकते हो ये 2-2 नंबर वाले क्वेश्चन हैं, ये बिल्कुल आप याद कर लीजिए। साल भंजी का कौन थे, बिल्कुल आपसे पूछा जाएगा। महात्मा बुद्ध के 2 उपदेश आपको याद करने हैं, तो आप सभी लोग इन क्वेश्चन को अच्छे से याद कर लेंगे। इसके नीचे दिया जाए तो यहाँ से आप देख सकते हो स्तूप क्यों और कैसे बनाए जाते हैं, हीनयान और महायान में आपको अंतर याद करना है। तो ये क्वेश्चन आप यहाँ से याद कर लीजिएगा। इसके नीचे देखा जाए तो यहाँ से आप देख सकते हो भाग 3 है, इसमें से 3 नंबर का एक क्वेश्चन है, पौराणिक हिंदू धर्मों के उदय का कारण स्पष्ट कीजिए, वैष्णव धर्म पर एक लेख लिखिए, और इसके अलावा बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्य कौन कौन से हैं, और इसके अलावा जैन धर्म में भारतीय समाज को कहाँ तक प्रभावित किया। तो ये क्वेश्चन आपको यहाँ से याद अच्छे से कर लेने हैं। तो आगे बढ़ते हैं, तो आगे अध्याय 3 की बात कर लेते हैं, ये अध्याय 6 की। अध्याय 6 का नाम है भक्ति और सूफी परंपराएं। तो भक्ति और सूफी परंपराओं में क्या आपको बताया गया है वो भी हम देख लेते हैं। तो यहाँ से अगर देखा जाए भक्ति और सूफी परंपराओं में से इस पार्ट में से 2 नंबर का एक क्वेश्चन याद करना है और 4 नंबर का एक क्वेश्चन याद करना है। तो 2 नंबर वाले कौन कौन से हैं, एक तो ये वाला आप कर लो, एक क्वेश्चन नंबर 2 वाला आप कर लो। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 4 आपको याद करना है, आपको इनको जरूर अच्छे से याद कर लेना है। और नीचे अगर देखा जाए तो आप यहाँ से देख सकते हो क्या दिया गया है, कबीर के जीवन के 2 उपदेश बताने हैं, चिश्ती सिलसिला के विषय में लिखना है, महान और लघु परंपरा को अंतर स्पष्ट करना है। तो इस प्रकार से आपको यहाँ से इनको याद कर लेना है। आगे बढ़ते हैं अगले अध्याय की तरफ। तो अगला अध्याय जो है जो 8 है, किसान जमींदार और राज्य। तो इसको आपको अच्छे से याद कर लेना है, किसान जमींदार और राज्य। इस अध्याय में से कुल 5 अंकों का एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, 5 अंकों के पूछे जाएंगे, और इसमें से किसान जमींदार और राज्य जो है ना, इसमें से 2 नंबर का एक क्वेश्चन होगा और 3 नंबर का एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो वो भी देख लेते हैं 2 नंबर वाला कौन सा, 3 नंबर वाला कौन सा है। तो आप यहाँ से देख सकते हो ये सभी जो क्वेश्चन दिए गए हैं, यहाँ पर आप देख सकते हो ये वाले। तो सबसे पहले तो आप यहाँ से नोट कीजिएगा, आपको जिंस एक कलिम क्या था, नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण कब किया, महाराष्ट्र के ग्रामीण सेवकों को क्या कहा जाता है। तो आपको ये 3 क्वेश्चन यहाँ से याद कर लेना है, और इसी के नीचे से यहाँ से आपको ग्राम पंचायतों के आय के स्रोत, जाति पंचायतें क्या थी, जजमानी व्यवस्था क्या है, और शराब कौन थे, वो क्या कार्य करते थे। तो ये क्वेश्चन आप यहाँ से याद इनको कर लीजिएगा, और उसी के नीचे बटाई प्रणाली क्या है, ये एक आपको याद करना है, और इसके अलावा भारतीय समाज में तंबाकू की फसल का प्रसार किस प्रकार हुआ, एक ये करना है। तो आगे बढ़ते हैं और अगले अध्याय की बात करते हैं जिसका कि नाम है उपनिवेशवाद और देहात। तो ये जो पाठ है उपनिवेशवाद और देहात, इसमें से 2 नंबर का ही एक प्रश्न पूछा जाएगा। तो देखते हैं 2 नंबर वाले कौन कौन से प्रश्न हैं इसमें से। तो यहाँ से अगर देखा जाए तो आप देख सकते हो ये सभी जो प्रश्न दिए गए हैं, पहाड़ी या लोगों की आजीविका, संतालों की आजीविका से किस प्रकार भिन्न थी, एक तो ये, और एक ये क्वेश्चन नंबर 4, और दामिनी को क्या है, इनको आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। यानी कि 1 नंबर 4 नंबर और 7 नंबर का क्वेश्चन आपको याद कर लेना है अच्छे से। उसके नीचे देखा जाए तो यहाँ से आपको फ्रांसिस बुकांग कौन था, ये आपको याद कर लेना है। और नीचे देखते हैं अगला अध्याय जिसका कि नाम अध्याय 12 है, औपनिवेशिक शहर। तो औपनिवेशिक शहर वाले पार्ट में से आपको 2 नंबर का एक क्वेश्चन पूछा जाना है और 4 नंबर का एक क्वेश्चन पूछा जाना है। तो देखते हैं कि 2-2 नंबर वाले और 4-4 नंबर वाले कौन कौन से क्वेश्चन है जो कि आपसे पूछे जाने वाले हैं। तो यहाँ से आप देख सकते हो, तो 2 नंबर वाले क्वेश्चन में देखें तो एक तो दिल्ली के नगरीकरण की प्रक्रिया को समझाइए, औपनिवेशिक शहरीकरण को आपको ये वाला याद करना। तो आप सभी लोग इन दोनों प्रश्नों को जरूर अच्छे से याद कर लेंगे।
तो आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन देख लेते हैं। तो ये दोनों क्वेश्चन हो चुके हैं और इसी के अलावा इसमें से देखा जाए तो यहाँ से 3 नंबर वाले 4 नंबर वाले जो क्वेश्चन हैं, कस्बों और गाँव के बीच पृथक्करण क्या है, भवन निर्माण की नव गर्तन श्रेणी कौन सी, ये आपको याद करना है। तो आप सभी लोग इन क्वेश्चन को ज़रूर याद कर लेना, वाइट टाउन और ब्लैक टाउन क्या है, तो आप सभी लोग इनको याद करेंगे। आगे आप यहाँ से देख सकते हो अध्याय 13 दिया गया है, महात्मा गांधी और राष्ट्रीय आंदोलन। तो अध्याय 13 जो दिया गया है, तो यहाँ से इस पार्ट में से 2 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा और 4 का एक पूछा जाएगा। तो महात्मा गांधी वाले पार्ट में से अगर देखा जाए तो आपको सबसे पहले कौन कौन से प्रश्न याद करने हैं वो मैं आपको बता दूं। यहाँ से सबसे पहले अगर देखा जाए तो एक तो गोलमेज सम्मेलन क्यों बुलाए गए, ये वाला आप याद कर लें, और इसके अलावा चरखे को राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में क्यों जाना जाता है कि ये याद कर लें, सत्याग्रह का क्या अर्थ है, आप तीनों को इनको अच्छे से याद कर लेना। और एक अगर एक खिलाफत आंदोलन वाला आप याद कर सकते हो। उसके नीचे अगर देखा जाए तो आप यहाँ से ये जो आंदोलन है, एक तो भारत छोड़ो आंदोलन बिल्कुल आप याद कर लो, और एक जो है ये क्रिप्स मिशन वाला याद कर लो, और इसके अलावा आगे देखें तो असहयोग आंदोलन आप याद कर लो, और एक नमक कानून वाला आप याद कर लो। तो ये क्वेश्चन आपको यहाँ से आपको अच्छे से याद कर लेने चाहिए। चलिएगा आप आगे बढ़ते हैं, तो आगे आप यहाँ से देख सकते हो अध्याय 14 दिया गया, विभाजन को समझाइए। तो दोस्तों विभाजन क्या होता है ये आपको समझाना है, तो चलिएगा इसको देख लेते हैं विभाजन है क्या। तो यहाँ से आप देख सकते हो पूरा सही जोड़ी वगैरह इस पार्ट में से, तो विभाजन को समझना, तो विभाजन को समझना इसमें से क्या है, अध्याय 14 है। तो इस अध्याय 14 में से एक 3 नंबर का ही प्रश्न पूछा जाएगा, तो ये भी हम देख लेते हैं कि 3 नंबर का वो प्रश्न कौन सा जो कि इस अध्याय में से पूछा जाने वाला है। तो आपको सीधी कार्रवाई क्या है, औरतों की बरामदगी के विषय में भारत तथा पाकिस्तान की सरकार ने क्या किया, लखनऊ समझौते के महत्वपूर्ण विभाजन के विरुद्ध महात्मा गांधी की दलील क्या थी, हिंदू महासभा के बारे में आप क्या जानते हैं। तो ये प्रश्न बिल्कुल आपकी परीक्षाओं में बैठेंगे, आप सभी लोग इनको ज़रूर अच्छे से याद कर लेंगे। आगे देखते हैं तो शिमला शिखर सम्मेलन क्या था, भारत विभाजन के काल में आम लोगों को दर्दनाक क्यों और अनुभव हुआ, तो ये आपको याद कर लेना है। इसके अलावा अगला पार्ट देखते हैं अध्याय पंद्रह में से दोस्तों आपको संविधान निर्माण पूछा जाएगा। तो यहाँ से इस पार्ट में से 2 नंबर का एक प्रश्न पूछा जाएगा, तो वो भी देख लेते हैं, यानी कि यहाँ पर 2-2 नंबर के 2 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, तो वो भी देख लेते हैं हम 2-2 नंबर के 2 क्वेश्चन कौन कौन से हैं। तो यहाँ से अगर देखा जाए तो यहाँ से आपको ये वाले क्वेश्चन याद करने, भारत एक गणराज्य है, राज्य के नीति निर्देशक क्या है, और एक ये वाला। इसके अलावा किसी देश के लिए संविधान क्यों महत्वपूर्ण है, ये आपको याद करना है। तो आप सभी लोग इन क्वेश्चन को ज़रूर अच्छे से याद कर लीजिएगा। तो आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ से आप देख सकते हो ऑपरेशन विजय क्या है, ये वाला क्वेश्चन आपको याद करना है, भारतीय संविधान की विशेषताओं वाला याद करना है। तो आप सभी लोग इन क्वेश्चन का रिवीजन जरूर बहुत अच्छे से कर ले। और मानचित्र में अगर देखा जाए तो मानचित्र वाले कार्य में आपको ये वाली चीज़ें आपको बताना है, बुद्ध का जन्मस्थान बिल्कुल पूछा जाएगा, एक चोरा चोरी कांड और एक कुरु एक सांची का स्तूप। तो आप इनको मानचित्र में देख ले किस किस जगह पर आपको इनको दर्शाना है, संतालों का विद्रोह का प्रारंभिक केंद्र सांची का स्तूप। तो आप सभी लोग इनको अच्छे से जरूर देख लें, और ये भारत का मानचित्र दिया गया है। और उसी के नीचे जो अगला पार्ट है दोस्तों, उनमें से कुछ ये IMP क्वेश्चंस नीचे ही दिए गए, सही विकल्प वगैरह, तो उनको आप देख लेना। तो ये दोस्तों मैंने आपको इतिहास विषय के सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बता दिए हैं, आप सभी लोग इनकी अच्छे से तैयारी जरूर कीजिएगा दोस्तों। इसी के साथ में मैं आप सबको वार्षिक परीक्षा तो शुभकामनाएं देता हूँ और इस वीडियो से विदा लेता हूँ। नमस्कार।